बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद हाजिरीन, आज एक्सपो पाकिस्तान 2015 के हवाले से वो मीडिया के नुमाइंदा तारिक इकबाल यहाँ मौजूद है। हम इस वक्त एक्सपो पाकिस्तान के जो मेन जगह है, मेन फ्रंट, उस तरफ खड़े हैं। यहाँ बैनर भी बना हुआ है, जनाब नवाज शरीफ साहब और खुर्रम दस्तगीर खान। हमारी कोशिश होगी कि आज के इस इवेंट के हवाले से हम आपको एक मालूमाती सेटअप दें, आप तक वो चीज़ें दिखाएं आपको कि जो आज इस एक्सपो में यहाँ डिस्प्ले भी होंगी। और कुछ लोगों के हम आपको थोड़ा ब्रीफली बता दें कि एक्सपो के हवाले से कुवैत से जो डेलीगेशन आया है वो तकरीबन 90 के करीब जो हैं वो आमायदीन हैं, जो बिजनेसमैन हैं। कुवैती जो है उनमें 3-4 ख़वातीन हैं और 32 के करीब जो हैं वो कुवैती शामिल हैं। तो ये एक बड़ी तादाद है जो इस एक्सपो के वाले से इतनी ज़बरदस्त कुवैत की तरफ से ये सेटअप बनाया गया है और इसको हमने अब आप तक पहुंचाना है, लोगों की तासरात लेने हैं, लोगों की खबरें आप तक पहुँचानी हैं। जनाब आरिफ भट्ट साहब की क़यादत में इस वक्त हमारा जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँच चुका है और हम आपको मंजर दिखा रहे हैं। जो ये फ्लैग्स जो मुख्तलिफ बने हुए यहाँ पे वो उनका भी आप मंजर देख लें, थोड़ा सा कि व्यू आपको दिखाते हैं इस वक्त। और हमारी कोशिश होगी कि वक्तन फ़वतन जो है यहाँ पे जो भी डेलीगेशन आया है उनसे तासरात भी लें और उनको कैप्चर करें। तो आप ये मंजर देख सकते हैं, सब हमारी कम्युनिटी के जो है ये लोग आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इस वक्त एक्सपो पाकिस्तान 2015 के उस मेन गेट पे खड़े हैं, फ्लैग हमारे दरमियान हैं और जनाब मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब की क़यादत में हमारी जो टीम है वो भी खड़ी हुई है और भी यहाँ कुवैती जो आमायदीन हैं वो भी, उनसे हमारी बातचीत होगी। आरिफ भट्ट साहब, जब ये आगाज़ किया गया तो क्या आपको यकीन था कि इस तरह का एक ख़ास तौर पर जो कुवैत में डेलीगेशन जो यहाँ पर आया है इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, आपके क्या तासरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल पुरउम्मीद था और मुझे बल्कि यकीन था कि हमारा जो डेलीगेशन है इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने डेलीगेशन भी बाहर से आए हुए हैं ओवरसीज से, सबसे बड़ा डेलीगेशन कुवैत का है और हमें हर तरह से कामयाबी मिली है। और ख़ासकर पाकिस्तान गवर्नमेंट, उन्होंने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में कुवैत का जिक्र करके हमारे हौसले बढ़ाए और उसमें हमारे कुवैती भाई भी बहुत खुश हुए और हमारी पूरी जो डेलीगेशन के अफराद हैं उनको उन्होंने बहुत आनर दिया। और ये सब आपके सामने ही है कि किस तरह हमें उन्होंने इज्जत दी है और इस सारी कामयाबी का सेहरा हमारी जो टीम है हेल्प डेस्क की और दूसरे साथी जो हैं, शाफी साहब हैं, राजा साहब हैं, जितने भी पूरी टीम, ये टीम वर्क है, जितने लोगों ने इसमें हिस्से में काम किया है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और वो काबिले तहसीन हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस फंक्शन को कामयाब किया। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और हमें एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ बड़ी हमारे लिए बड़ी अच्छी है कि एक तो ख़वातीन कुवैत जो है नेशनलिटी वो भी आई हैं, कुवैतियों को किस तरह आप लोगों ने मोटिवेट किया कि वो भी इस एक्सपो में आए हैं कराची? एक्चुअली कुवैती लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से और हमसे बहुत प्यार करते हैं। जिस जिस को हमने दावत दी, जिस भाई को, जिस बहन को, उन्होंने उसी वक्त बैक कहा और हमारे साथ आए और वो उनसे फर्दन मैंने पूछा, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब पाकिस्तान से और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल सर, चलिए फिर चलते हैं इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि नाज़रीन जो मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पर जो कुवैती दोस्त आए हैं उनको उनसे राब्ता करेंगे, उनसे हवाल पूछेंगे और उनकी तासर लेंगे। चलें चलते हैं।
नाज़रीन आपको एक व्यू दिखाते हैं जो मेन गेट जहाँ से अंदर जो यहाँ छः बड़े हॉल हैं उनकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस गेट है वो यहाँ पे, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेन डिस्प्ले जिसपे एग्जीबिशन की एंट्रेंस के पास है मौजूद, जहाँ से लोग आते हैं। और जहाँ से आप देखें ये फ्लैग्स हैं, वो जगह है जहाँ पे एक्सपो के यहाँ पे मुफ्त ममालिक जो हैं वो आप फ्लैग्स देख रहे हैं लगे हुए हैं, आप दिखाते हैं। तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दोनों जानब जो गेट हैं वो खुले रखे गए हैं लेफ़्ट और राइट की तरफ, और हम बिल्कुल दरमियान में इस वक्त खड़े हैं जो एक्सपो का मेन गेट है। थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे रक्स का एक माहौल बना हो रहा है,
दुनिया के तकरीबन 72 ममालिक से यहाँ जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन एक्सपो के हवाले से पहुँचे हैं। खलीजी रास्ते से हो या यूरोपियन ममालिक से, ये बताएं कि क्या जो आपने प्रोडक्ट्स लाए हैं, क्या समझते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो इस मियार की हैं, आलमी मियार की, कि यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ जी, हमारी इस मियार की, ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में, तो इस मियार की हैं कि वो भी आके पसंद करेंगे और ले। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये एक्सपो इस तरह के इवेंट हो तो क्या इससे वाकई हमारा प्रोडक्ट पाकिस्तानी मशहूर आ जाएगा? पड़ेगा, इसका बहुत अच्छे असर पड़ेंगे। अलहमदुलिल्लाह क्वालिटी हमारी आ रही है, अलहमदुलिल्लाह ठीक है, वो हम कर रहे हैं इंटरनेशनली कम्पीट करके बिजनेस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आप दिखा रहे हैं कि ये रिसेप्शन है, यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं इनसे, मालूमात का एक काउंटर बनाया हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको मालूमात भी दी जा रही है। ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे रिसेप्शन से आप दाखिल होते हैं अंदर, साथ ही ये वो एरिया जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो है वो बना हुआ है, आप देखें। ये हॉल नंबर 1 का डिस्प्ले है और उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है हॉल नंबर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों जानब से जो है ये हॉल की जगह है। ये हम भी आपको व्यू दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जो आप देख सकते हैं कि ये हॉल नंबर 1 शो हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि ये हॉल नंबर 3 है। सत हाल में दाखिल हूँ, हाल नंबर 3 है। यहाँ पे ये रिसेप्शन देखें आप, सब और ये फूड कॉर्नर है। क्या बैठे नाज़रीन, एक्सपो 2015 के वाले से एक तारीखी कामयाबी है कि कुवैत से जो डेलीगेशन यहाँ पे आया, और ख़ास तौर पर जो अरब डेलीगेशन आया है यहाँ की मसनूआत को देखने के लिए, इनकी ख़रीदारी के लिए, तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। और हम चूँकि ख़ुद भी कुवैत से आए हैं तो हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। व्हाट इज़ योर सर? माय नेम इज़ सालेह अल हर्बी। व्हिच डिपार्टमेंट यू आर डूइंग जॉब इन कुवैत? In Al-Watania Catering Company in Kuwait. Oh, okay. And it's our first time to come here to Pakistan. And actually we are very lucky to see this expo and see Pakistani industry and great expo. Okay. We are very happy to see the expo here. Who tell you regarding this expo? Somebody guide you, your friends? Can you tell you me name? Mr. Arfan and all the other guys here, and Mr. Aga from the embassy of Pakistan in Kuwait, and a lot of Pakistani friends here. Did you feel the Pakistani products in Pakistan? You feel is the quality products? Yes, very quality place. Actually, I was shocked because I didn't know that Pakistan has that much of industry here. So I'm very happy, and we are enjoying the time. Mm-hmm. Okay. Yes, thank you all for the Pakistani embassy and all the organizers here in Pakistan. They did a great job.
and great hospitality. Yeah. Thank you, sir. Thank you. नाजरीन एक और हमारे जो कुवैती दोस्त हैं वो भी यहाँ पे अब्दुल्ला उबैद यहाँ आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं. सर वेलकम टू पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर टू दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान बट रियली आई फील हैप्पी टू बी हियर एंड गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर एंड चेकिंग ऑल द स्टफ एंड मटेरियल. आई एम स्पेशलाइज्ड ऑन फूड स्टफ wholesale trading. So this is my first time to come to Pakistan, but I've heard about Pakistan through some friends, and I was invited by the Pakistani embassy in Kuwait and the company called Pakistan Investment Company on Kuwait. So you are now in food section there. So yes. What do you feel the Pakistani products, which you like? Yeah, I'm specialized on rice and frozen foods like Pakistani mutton, seafood and mutton and beef, but mainly in masala, basils, seeds and rice. Nice. And set up Kuwait, which company you are handling? This is my company called Arzan General Trading, specialized in food stuff, wholesale. We give the catering, we give the supermarkets, we give the wholesaler people. So only importing food stuff to Kuwait. Pakistani embassy in Kuwait, and when Pakistani investment company, they stationed in Kuwait. Both in coordination, they invited the whole Kuwaiti group. The whole Kuwaiti group came through these two identity. I hope so. You will again come in Pakistan. And depends. We will, when we go home, we start dealing. If we are happy, of course, we'll continue coming to Pakistan. Thank you very much, sir. Thank you. नाज़रीन ये वो हाल है जो हम आपको बता रहे हैं. इस वक्त हाल नंबर दो है और दो के हम आपको स्टार्ट से दिखाते हैं हाल नंबर दो. और जैसे आप हाल में दाखिल होते हैं वो हमारे जो यहाँ पे एक्सपो के डेलीगेशन को बताने के लिए मालूमाती तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं. क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल. आपका नाम? फरहान अहमद. आपका नाम? हजरत ताहिर. अच्छा, ये जैसे हम किसी भी अंदर दाखिल होते हैं हाल में तो वे आपने इंतजाम किया, वो ये क्या मतलब आपका मकसद क्या है, यहाँ कुछ बताना है? बिल्कुल सर, हमारे सच में जैसे मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी विजिटर वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं हमें उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, इस हॉल के अंदर हमारे पास जो जो ये स्टॉल वगैरह लगे हुए उसके बारे में हमारे पास के लेआउट है, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपने जिस तरह हमसे कोई पूछते हैं कि वेलको का स्टॉल कहाँ लगा, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि वे सामने आप यहाँ चले जाएँ, इस तरह सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारा काम है. अच्छा, यहाँ का कोई आपने देखा लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई कि भाई किसी गलत जगह पे आ गए हों कि भाई ये तो स्टॉल, फिर आप उन्हें बताते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पर जो भी आता है हमको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करते हैं, प्रॉपर्ली गाइड करते हैं. अभी तक तो ऐसा कोई मैसेज देखने में नहीं आया. अच्छा, तो यहाँ पर जो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कितनी तादाद गैर मुल्कियों की आई होगी? सर तकरीबन यहाँ पर अगर मैं अपने हॉल की बात करूँ तो यहाँ पर मुसलसल गैर मुल्की यहाँ पर ज़्यादातर लोग गैर मुल्की यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब हमारे कंट्री के लोग फिर हल्का आ रहे हैं, लेकिन गैर मुल्की तकरीबन मेरे हाल से सुबह से लेकर अब तक यहाँ तकरीबन 300 तकरीबन लोग आ चुके हैं यहाँ पर, 200-300 लोग आ चुके हैं यहाँ पर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नाजी, इस वक्त आप देखें कि आगा सही साहब जो हमारे मशरता से इस वक्त पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ मौजूद हैं और मजीद वो ब्रीफ करेंगे कि यहाँ जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है और अरब डेलीगेशन आया है उसके हवाले से उन्हें अभी ब्रीफ करना है. बिल्कुल ओपनिंग गेट के पास हम मौजूद हैं. रहेगा
अरब डेलीगेशन में नाज़रीन हमारी कोई की ख़वातीन भी इस वक्त मौजूद हैं। नुमाइंदे हमारी जो कुवैती डेलीगेशन है जो ख़वातीन उनसे तासुरात लिए जा रहे हैं। नाज़रीन हमारी कुवैत कमेटी की जानी पहचानी शख्सियत मोहम्मद अनीसुर्रहमान भट्ट साहब आज एक्सपो में मौजूद हैं। सर आप स्पेशल कुवैत से आए हैं या यहाँ आपका कोई सेटअप है? मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान ये एंटी करप्शन एंटी नारकोटिक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, बीइंग अ डायरेक्टर ओवरसीज हमने यहाँ स्टॉल लगाया है हॉल नंबर 6 में, और हम अवेयरनेस दे रहे हैं। इंटरनेशनल कम्यूनिटी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी बहुत ही वेलकम कर रहे हैं, और इस तरह गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट की और स्पेशल पीएम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिनके स्पेशल तावन से हमें ये अप्रूवल मिली, और यहां गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भरपूर तावन किया। तो ये एक नया हम कराची के अंदर अभी इन हुए हैं, पहले हम पंजाब में काम किया तो अवेयरनेस और करप्शन के ऊपर, तो मैं खुद भी खुशी महसूस कर रहा हूं कि हम इतने 75 पर जो कंट्री से लोग आए हैं यहाँ पर मंदूबीन हैं और इनके सामने हम अपना प्रोग्राम रख रहे हैं और वो अप्रिशिएट वो भी कर रहे हैं। और असल चेहरा जो पाकिस्तान का है एक जो अच्छी तरफ जा रहा है वो भी इसी तरह ही है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा ना। जिस तरह आप लोग सब कुवैत से आए हैं, मैं भी कुवैत से हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, यहाँ पर पहुँचे और इंशाल्लाह यहाँ इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा, हमें उम्मीद है इसके। प्रोडक्ट के हवाले से आप बताएं कि पाकिस्तानी मसनूआत को लोगों ने किस तरह रिस्पांस मिला? हाँ, जो प्रोडक्ट के हवाले से हैं, जो सुनने में चीज़ आ रही है वो तो हर जो भी डेलीगेशन आया हुआ है वो अप्रिशिएट कर रहा है। मेरी बहुत सारे डेलीगेशन से बात हुई है और मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा। बहुत अच्छे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जो एक्सपो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे, इनमें जो मेन किरदार जो है कम्युनिटी को इकट्ठा करने में वो राजा जफर इकबाल साहब का है, तो यकीन तौर पे हम उनको मुबारकबाद देंगे। राजा जफर, आप बताएं कि आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा सिलसिला इस तरह कामयाबी होगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात को आगे ले जाना चाहूँगा कि मेरा किरदार टीम इकट्ठा करने में नहीं, मेरे अकेले का यहाँ कोई किरदार नहीं है जी। हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर साहब, उनकी गाइडेंस में ये काम शुरू हुआ, आज भी उनकी गाइडेंस में चल रहा है, और फिर एक टीम तरतीब दी गई, उस टीम का ये सारा किया धरा है जो आज हम यहाँ इतनी कामयाबी से और फ़ख्र से ये कहने को हमें मिल रहा है कि जी कुवैत से जो टीम आई है वो प्योर बिजनेसमैन लेडीज वुमेन बिजनेस, और ये सारी जो टीम है वो यहाँ पे एक लेट्स से कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के दौरान भी हाईलाइट हुआ जी जी। तो ये सारी काबिशों का नतीजा एक टीम वर्क है और एक टीम लीडर हाफिज मोहम्मद शब्बीर साहब हैं कि जिनकी काबिशों का ये नतीजा है। और रही बात ये उम्मीद करना जी, मेरा ये पाकिस्तान बिजनेस सेंटर को ज्वाइन करने के बाद ये पहला विजिट है एक्सपो में, तो जो मैंने सोचा था तकरीबन उसी तरह से मुझे यहाँ मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं हमारी। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर का जो एक मकसद है, एक विजन है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उससे पहला जो स्टेशन है हमने कुवैत का चूज़ किया है। सही, तो आप सबके तआवुन के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान बिजनेस सेंटर हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर साहब और उनकी पूरी टीम अपने जज्बे के साथ यहाँ आई है और पाकिस्तान को एक अच्छा बिजनेस दे के जाए। शुक्रिया सर, थैंक यू। मुख्तलिफ अखबारात जरीदों से यहाँ जो कराची में हैं वो हमारे अरब डेलीगेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मैं मिस्टर आला को माइक दूंगा, वो उनसे बातचीत करेंगे इस एक्सपो के हवाले से इनकी क्या राय है जो यहाँ डेलीगेशन कुवैती आया है। بسم الله الرحمن الرحيم. انا علاء الدين مصطفى من جريده الشاهد الكويتيه وجريده النهار المصريه من القاهره.
زميلي مدير تلفزيون الويب طارق إقبال يعني كلفنا أن أجري انترفيو محادثة مع الضيوف بعض سيدات الأعمال الكويتيات. يعني في البداية نقول لهم أهلا وسهلا، عرفنا باسمك بالعربي. اسمي منى نجم الدين، وأنا جاية هني أول مرة بالباكستان، وأنا اللي كنت شايفة شيء ولقيت شيء، بس أنا مرتاحة هني. أنا كنت خايفة أول ما هي الكويت. يعني باكستان. ما أول انطباع ليك يعني في أول وهلة دخلت فيها باكستان؟ إحنا أول ما دخلنا المطار الباكستان استقبلونا استقبال وايد حلو، وايد راقي كان، وإحنا استأنسنا لما شفنا الشعب الباكستاني استقبلنا بطريقة حلوة. وفعلا يعني حسب ما احنا وجدنا تلاقينا فعلا شعب طيب، شعب خلوق، شعب يحب ضيفه جدا، يعني يحب ضيفه جدا، اخلاقهم عاليه. نعم. كيف وجدت المعرض اكسبو 2015 من سواء المنتجات اليدويه او السجاد او كل ما اكسبو وايد في منتجات موجوده، لان صراحه واحد لما احنا دشينا واحد ما يعرف شنو اخذ وشنو ما اخلي. ومنتجاتهم حلوه، وقطنهم، عيشهم، الحريرهم، الشغلات وايد، في السيراميك وجرانيت وايد شغلات احنا شفناها هني، واسمنتهم اللي هم منتجاتهم الاستيرادهم وايد عاليه. واحنا قابلنا هني الوزير الرئيس الوزراء النواز الشريف، وهم هني يعني شفنا وايد الشعب الباكستان يحترمون ويحبون الكويتين، وشعبهم خلوق وإخلاقهم عالية. نعم. هل يعني تعاقدت مع شيء بالنسبة للمنتجات بالنسبة للمعرض؟ إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل إحنا نتعامل معهم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون نتعامل يعني بلدين على خير إن شاء الله. نتعرف عليكي. أمال علي بجماز. أستاذة أمل مرحبا بك في باكستان. يعني أنا قايم بدور المذيع الآن، مذيع باكستاني. يعني عايزين الأول يعني ما هو انطباعك عن الباكستان من أول ما دخلتي مطار باكستان؟ يعني أول ما دخلتي يعني كيف وجدت الاستقبال؟ كيف استقبال وايد كان ممتاز يعني، وكان وايد في أمن عندهم وحريصين علينا، وكانوا يعني وايد مهتمين فينا بزيادة يعني. نعم. وكان وايد تنظيمهم حلو يعني الحمد لله. بالنسبة للمعرض بالنسبة للمعرض هو الشيء اللي لفت نظرك يعني بالنسبة لمعرض إكسبو 2015؟ إنه وايد عندهم منتجات حلوة وشغلات وايد حلوة كلها من صناعتهم هم، يعني ماكو شيء من برا جايبين عارضينه، لا كله إنتاجهم هم ومصانعهم هم. هل عجبك المنتجات اليدوية اللي انت شفتيها؟ أي الأقمشة بالنسبة للسجاد، كل شيء من مفروشات، من سجاد، من ستاير، من تطريز، من تصنيع كهربائي عندهم، ومع الطاقة الشمسية والشغلات هذه كلها. هل إن شاء الله ناوية إن شاء الله يعني يكون في عمل بيزنس بينك وبين إن شاء الله إن شاء الله بين باكستان؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هل أنت على تواصل بالسفارة الباكستانية في الكويت؟ يعني بتواصلي مع الجالية محمد بلوشي، مع مركز الأعمال الباكستاني؟ مركز الأعمال الباكستاني هل في تواصل؟ يعني أنا كصحفي في الكويت دائما لما أحب أعرف أي شيء عن التجارة أذهب إلى مركز الأعمال الباكستاني أو السفارة الباكستانية، القنصل التجاري، يعني أشوف جميع المنتجات اللي وفرنا كل شيء. يعني معرض مركز الأعمال مركز الأعمال الباكستاني. شكرا أخت أمل وشكرا أستاذة، وإن شاء الله نتمنى لكم. نشكر باكستان، نشكر محمد البلوشي، ونشكر الكونسلر الكويتي اللي ويانا جاي من الكويت.
كثير وصراحه ما قصروا فينا وهم وايد حريصين علينا وما قصروا قاموا بواجب ونشكر نشكر على رجال الدوله هنا وزير التجاره ورئيس الدوله يعني اجتماعاتهم لما كانت امس معنا وايد وايد يعني يدل عليهم انهم يحبوا الكويت والخليج. شكرا جزيلا. ऐसे हजरात भी हैं जो माजूर हैं लेकिन फिर भी एक्सपो को देखने के लिए यहाँ पे वो आए हुए हैं। नाजिर हाल नंबर एक में हम दाखिल हुए हैं, ये क्या किस्म की आपने रखे प्रोडक्ट्स? ये सर ब्लू पॉटरी है, मुल्तान से हम लोग आए हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी का स्टॉल है ये। अच्छा। ब्लू पॉटरी का स्टॉल है ये, हैंडमेड क्रॉकरी है हमारी, तमाम के तमाम जितनी हम बना रहे हैं ये हैंडमेड क्रॉकरी। बेसिकली इसे क्या कहते हैं? काशीगरी कहते हैं इसको। अच्छा। काशीगरी हैंडमेड है ये तो टोटल। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा एक। अच्छा, ये हाथ से बनाए हुए ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब कढ़ाई भी की जाएगी, हाथ से की जाएगी। हैंडमेड जो है ये थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं हम स्टॉल का, खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है, हाथ से भी वो बना रहे हैं, जब वो फाइनल हो जाएगा मैं आपको दिखाएंगे। इन्होंने फाइनल कर दिया है। ये कितना वक्त लगता है एक कप तैयार होने में? ये तकरीबन एक घंटे में एक कप तैयार होता है। अच्छा, अगर आपको फौरी तौर पर ऑर्डर हो जाए कि हमें अभी सो चाहिए तो बंदे हैं आपके पास? नहीं, हाँ बंदे तो हैं, ऐसी बात तो नहीं है, काम होता है, प्रोडक्शन दे बना के तैयार करके भी रखते हैं हम लोग, तो अगर 100 पीस का ऑर्डर आ जाता है तो 100 पीस बनवा लेंगे, 3-4 आदमी लगा देंगे, लड़के लग जाएंगे जो बनाएंगे इसको। और जहाँ आपने अपना सेटअप पंजाब में जिस जगह किया हुआ है वहाँ लोगों का क्या है, मतलब इंटरेस्ट बहुत लोग मतलब इस तरफ आते हैं? हाँ, फॉरनर आते हैं सारे मुल्तान के हवाले से, जो भी मुल्तान में फॉरनर आता है सबसे पहले वो विज़िट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी का, हमारे पास आता है तो देखता है, वो बड़ा पसंद किया जाता है। ये हज़ारों साल पुराना काम है, काशीगरी इसको कहते हैं, काशीगरी टोटली हैंडमेड है।
ये आज से 10-20 साल पहले तो ये सिर्फ टैलों पर होता था, मज़ारात पर होता था, टैलों पर होता था, अब ये तमाम का तमाम क्राकरी पर हो रहा है। डिनर सेट बन रहे हैं, वाटर सेट बन रहे हैं, टी सेट बन रहे हैं, मग्स बन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाम रुखसाना रियाजली मेरा नाम है। अच्छा, ये हम जिस हाल में इस वक्त आए हुए हैं, ये मतलब ज़्यादातर पंजाब के जनूबी हिस्से के यहाँ उन्होंने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिसमें मुल्तान, भावलपुर वगैरह शामिल हैं। तो आपने यहाँ जो सेटअप किया है, ये सारा हैंडमेड है? जी बिल्कुल हैंडमेड है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अपर सिंध की हैं बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमने रखी हुई हैं। अपर सिंध के शहदाद कोट, सखर, शिकारपुर है, घोटकी है, खैरपुर है, इन डिस्ट्रिक्स के मोस्टली प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये मतलब डेकोरेशन जो है वो घरों में जो लोग आते हैं? जी बिल्कुल, ये सारी खवातीन काम करती हैं। इनका प्रोडक्ट का जो नाम है वो सरती हुसैन के नाम से है, ठीक है, और ये सारी खवातीन काम करती हैं और घरों में काम करती हैं। पूरा जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी डेकोरेशन पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे खवातीन ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो क्या रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों का? बस ये कोशिश जारी है कि अच्छा रिस्पांस मिले, हम तो वेट कर रहे हैं। आ रहे हैं लोग, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी टाइम है तो अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जी मैं वॉइस ऑफ ओवरसीज़ जो कुवैत में हमारा सेटअप है, मैं वहाँ से आया हूँ एज ए मीडिया पर्सन। तो एग्जीबिशन वाले से हम पूछेंगे आपसे कि ये आपका कैसा सेटअप है? ये हमारा बेसिकली खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि फर्स्ट एग्रो इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान का, इंटीरियर सिंध में बनने जा रहा है। तो हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ताकि लोगों को पता चले और हम इन्वेस्टमेंट्स को बूस्टअप करवाएँ और अट्रैक्ट करें वहाँ पर। इनमें बहुत किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो कि इन्वेस्टर्स को हम देंगे खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से। उनमें टैक्स एग्जम्पशन आ गई और बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं। हाँ आ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद एहसन इदरीस है और मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि ये पहला इंडस्ट्रियल जोन है जिसको SEZ स्टेटस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस मिला है, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होगी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और कैपिटल ड्यूटीज़ पे, गुड्स पे आपको ड्यूटी फ्री हो जाएगी 1-2 इन्वेस्टर्स एक मरतबा। तो इंडस्ट्रियल जोन खैरपुर के अंदर ये पहला है जिसमें आप एग्रो फूड, एग्रो नॉन फूड और लाइट इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सही। पहली दफ़ा आपने सेटअप लगाया यहाँ पे एक्सपो? नहीं, हमने ये दूसरी मरतबा है हमारा। तो हमने पहले भी हमने पार्टिसिपेट किया एक्सपो में। पिछले साल कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों का? पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि इनसे लोगों में अवेयरनेस आती है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के एक्सपो में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान और कुवैत में जो हमारा सेटअप है, आज एक्सपो के हवाले से हम यहाँ मुख्त स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त जो हम जिस हाल में मौजूद हैं उसको हाल नंबर 1 है, जहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखाए भी हैं इस हाल के हवाले से वो हाथ से बने हुए जो है ना कपड़े या कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है उस हवाले से। इस वक्त हम हमारे दरमियान एक शख्स बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैक चौधरी। अच्छा सर, आपने जो यहाँ पे सेटअप किया हुआ है क्या आपने रखा हुआ है? ये जी सिंधी तहजीब है, ये मोहनजोदड़ो के ज़माने से, जब आपने देखा होगा कि वो ब्लॉक टेक्सटाइल की प्रिंट्स उन्होंने निकाले थे, ये हम उस रवायत को जो है दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। ये सारे का सारा काम जो हाथ से होता है और टोटल जो है वो नॉन केमिकल्स हैं, सारी जो है डाइज हैं वो देर आर नॉन केमिकल्स नेचुरल डाइज। सो कॉटन, शिफॉन आप ले लें, यू टेक एनी फैब्रिक, सो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू, इट्स अ प्रिंटिंग व्हिच रियली। अच्छा, ये जाहिर है इतनी जरूरत पर नाजा फैसला किया आपने कि जाहिर है इन चीज़ों को दोबारा जिंदा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स के वाले से कहेंगे पिछले साल भी आपने ऐसा कोई सेटअप किया? ये हमारा यहाँ पर 4th साल है और हर साल जो है हम देख रहे हैं कि हमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसमें नैदरलैंड्स, उसमें भी पैनामा है, उसमें कैलिफोर्निया है, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इसकी अपनी एक नेच है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक तहजीब है, सिंधी तहजीब जो इसको बना सकती है। इस हवाले से ये है कि अगर लोग समझते हैं अभी चाइना या कुछ है तो उसमें कंपटीशन नहीं है। सही बात है।
और रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? वेरी गुड, वी आर वेरी 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 हैप्पी और हम एक्साइटेड हैं, अगर अगला शो होगा हम उसमें भी होंगे। और ये जहाँ पे जो हमारे एक्सपो के जो यहाँ उन्होंने सेटअप किया है, खास तौर पर कॉमर्स के वाले से, आप हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के वाले से आप क्या सपोर्ट मिली? हुकूमत के हवाले से ये है कि दे कैन डू मच बेटर, उन्होंने जितना किया है उससे तकरीबन को वो अगर चाहें तो 10 गुना ज़्यादा और कर सकते हैं। देर इज़ अनफ रूम, टाइमिंग जो है वो शो की और जो डेलीगेट्स को लाना इधर, उस हवाले से ये है कि उनको चाहिए कि जो टाइम है उसको मैक्सिमाइज करें। टाइम बहुत कम दे रहे हैं उनको, ज़्यादा होटलों में और ज़्यादा मीटिंग में रखा हुआ है, जबकि हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं वो सारी तवज्जो मांगते हैं कि जो बाहर से डेलीगेट्स आए हुए हैं वो हमारे बूथ पे आए। बहुत शुक्रिया, आपने मालूम दी हमें, थैंक यू। हाल नंबर एक के मुख्तलिफ जगहों के हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं, ये भी कढ़ाई के अलावा ये जो कपड़े हैं हाथ से बने हुए पाकिस्तानी, और कीमत भी अवैध की गई है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद असलम है जी। आपने क्या रखा हुआ है? हैंडीक्राफ्ट रखा हुआ है, अपने ये पर्सेस वगैरह हैं जो भी है, ये पंजाब का है, हैंडमेक है, बेहतरीन चीज़ है। तो आपने साथ कीमत भी वजन की हुई है, तो क्या आपने, आपको पता है कि ये रेट्स बिल्कुल मुनासिब रखे हैं? ये मुनासिब रेट हैं क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है, उस हिसाब से इसको बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम रेट रखे हुए हैं हम। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन क्या चीज़ कौन सी चीज़ें पसंद कर रही हैं? सर ये बुटीक है, जो भी ये खाने की चीज़ें भी करती हैं बुटीक है, जो भी ख़वातीन की चॉइस हर बंदे की अपने नहीं हो सकती जी। ये कहाँ से हैं? अच्छा हाँ हाँ, अपने वो है ना श्रीनगर खड़े। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई डेलीगेशन यहाँ पे, ख़ासतौर हमारी जो ख़वातीन हैं वो यहाँ आई हुई हैं, तो हमारी कोशिश हुई कि वो उन्होंने जो आज एक्सपो के वाले से मुख्तलिफ जगहों पे उनको स्टॉल भी देखे, तो हम उनसे बातचीत उनके तासर देते हैं। मादम मरवा, what you feel today here exhibition in Karachi? I feel happy, it's my first time in Pakistan, but the people have a nice smile and a nice soul. I feel like I'm in Kuwait already, it's familiar, and I feel happy anyway. Okay, what type of products you like here? I am look about medical things, huh. And packing, it's group, company group, and look about different things. Do you like Pakistani clothes? Yes, very nice. I am already search for something. I wear it when I travel. Okay, it's too much colors and nice colors and deep colors. I like Pakistani colors and designs already. Oh. It's very nice. You might have heard this sort of news that there is a terror and you know there is no any peace in Pakistan. So how did you realize here and after meet the people the first time here? So you might have heard the, you know, the that sort of news about the terror. No, it's completely different. Okay. It's completely. I feel comfort here. Okay. Okay, and I feel safe. Thank you so much. Thank you. Thank you. Actually, we attend yesterday during the invitation to. I am a part of delegation of Kuwait, and we attend. This is the first time of the Expo Pakistan, and really we hope that we will do a good contact with the Pakistan government and with the Ministry of Commerce and Chamber of Commerce. And now for a while we will have a meeting with the Chamber of Commerce, so specific with the delegation of Kuwait, that we will discuss how we can coordinate to improve the business and to also arrange the meeting with the Chamber of Commerce of Kuwait, that we will discuss to inshallah establish not established to re-establish yes. The improvement of the business and to improve the relationship of the business between Kuwait and Pakistan. Shukran, thank you, thank you. When you come from Kuwait yes. To Pakistan, okay,
What do you think, how many type of products expo in Pakistan? What do you feel before? We know little about Pakistan and the product in Pakistan, but now we have a good idea, a good impression. The first impression, it was nice. And we know now about Pakistan more. And we hope that we are will come back and we take off many of meetings, and they are nice people and friendly, and I hope to be back here in soon too. And we do business also with many of companies, and that's all. Thank you. Thank you. Thank you. Now with us Mr. Mazhar from Kuwait, so we'll ask some question. What do you feel today this Pakistan Expo? تكلم عربي. اوكي هو المعرض فعلا كويس وجيد ولازم يكون متطور اكثر يكون في اصناف للفود اكثر شيء يعني جيد. نحن جايين طلعنا مثلا معارض على دبي, طلعنا على عده معارض. المعرض الموجود بكراتشي لازم يكون اوسع اضخم اكبر منظم اكثر. بس بكل حال مشكور للجميع, شكرا للجميع. Shukran, thank you. Thank you. Viewers, now with us Mr. Mind from Kuwait. What do you feel today this Expo Pakistan? You know, today this is almost second day. We feel it active, and we feel many products interested in this exhibition. We are confident that we might make some business, inshallah, with Pakistan. And which type of you interest this in Expo? I am interested in many projects like leather accessories, packing, food grade packing. And on the other side, I am representing some international group for huge projects in Pakistan. We are discussing this with the authority, yeah. Investment authority in Pakistan. We have a meeting inshallah today at 7 o'clock. We are trying to see what's the possibility to do a very huge big projects here in Pakistan. I will tell them that Pakistan, they are trying to do their best to upgrade themselves, and they are kind people, they are helpful, they are trying to help you, and they are doing their best, and they are improved year after year. یہ سوچ کوئی سے چلی کہ پاکستان جانا ہے ایکسپو کے لیے, اور کوئی سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھی تیار ہو گیا. ہم محمد افضل شافی صاحب سے پوچھیں گے. شافی صاحب, آپ اپنی فیلنگز بتائیں پہلے کہ کوئی سے پاکستان آ کے کراچی میں کیا یہ جو آپ کی سوچ تھی, آپ سوچ رہے تھے کہ کیا اس طرح کا جو آپ الحمدللہ کامیاب مراحل طے کر رہا ہے کویت کے خاص طور پر, کیا آپ کی اب فیلنگ ہے؟ السلام علیکم. پاکستان میرا ملک ہے. پاکستان آ کر یا اپنے وطن پہنچ کر جو خوشی بندے کو ہوتی ہے وہ خوشی مجھے بھی ہے, لیکن اس مرتبہ یہ اس لحاظ سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ اتنا بڑا شو جو ٹی ڈی اے پی نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک چھت کے نیچے سجا دیا, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. ہم کویت سے جب چلے تو ہمارے ذہن میں جہاں یہ بزنس وینچر کے آئیڈیاز تھے کہ پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کے لیے جگہ پیدا کی جائے کویت میں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ پاکستان کا اصل جو نام ہے اس کا بلند ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کا جو نیگیٹو امیج دنیا میں کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہمیں پاکستان کا ایکچوئل امیج جو ہے اسے پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس واسطے ہمارے ساتھ اس کانٹینجنٹ میں 95 آدمی تقریباً ہیں, ماشاء اللہ, اور بہت بڑا یہ ایک ریکارڈ بریکنگ گروپ ہے جو کویت سے آیا ہے, جس میں پاکستانیز ہیں, جس میں کویتیز ہیں, کویتی بزنس مین اور کویتی بزنس وومن, جو ایک بڑی یونیک بات ہے
इससे पहले कुवैत की बिजनेस वूमेन पाकिस्तान नहीं आई थी, ये पहला मौका है कि वो हमारे साथ ना सिर्फ साथ हैं बल्कि वो बहुत दिलचस्पी का और बहुत इंटरेस्ट का मुजाहरा कर रही हैं पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स में और जितनी एग्जीबिशन हो रही है उस सिलसिले में। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत इम्प्रेस हूँ इस बात से कि इतना बड़ा एग्जीबिशन और इतना बड़ा प्रोग्राम करना आसान काम नहीं है। फॉर दैट मैटर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टू TDAP। जी अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो आपने जैसे बताया कि खासी बड़ी तादाद कुवैतियों की भी यहाँ डेलीगेशन जो आया है, वो किस तरह की आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद होगी चीज़ें और वो कुवैत में आएँ? पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमेशा से बहुत सारे दूसरे ममालिक पर बरतरी हासिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल चावल, पाकिस्तान का चावल इतना मैचलेस है कि दुनिया के तमाम चावलों पर आज भी एक सुपीरियरिटी रखता है। जैसे पाकिस्तान का मैंगो है, पाकिस्तान जैसा मैंगो पूरी दुनिया में किसी जगह नहीं है और कुवैत की मार्केट में ये हॉट केक की तरह बिकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान के लेदर प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की कटलरी है, पाकिस्तान के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी बेइंतहा मार्केट है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए और इसको प्रोजेक्ट किया जाए, प्रॉपरली से मार्केट किया जाए, तो कुवैत की ना सिर्फ मार्केट में बल्कि गल्फ की बाकी जो पूरा गल्फ रीजन है इसमें इस मार्केट में जगह पैदा की जा सकती है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की खपत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारे हमने स्टॉल्स विज़िट किए हैं, हमारे कुवैती फ्रेंड्स को बहुत सारी दिलचस्पी है ओनिक्स से, बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी है कॉटन प्रोडक्ट से, फ्रूट से। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा पाकिस्तान के लिए, जहाँ पाकिस्तान के इमेज के लिए बेहतर होगा, वहाँ इसके साथ साथ रेवेन्यू पाकिस्तान कमाएगा और बहुत सारी एक्सपोर्ट्स यहाँ से इन्हेंस होंगी। अगरचे ये हमारा पहला मौका है, फिर भी हम बहुत मुतमईन हैं कि पाकिस्तान बिजनेस सेंटर जो एक अदारा वहाँ कुवैत में बनाया गया, ओपेक मेंबर की सोच को अमली रंग दिया गया, जिन्होंने ये चाहा था कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को मार्केट में, कुवैत की मार्केट में लाया जाए और पाकिस्तान के इमेज को डेवलप किया जाए, उसकी अमली शक्ल आज हम देख रहे हैं और इस लिहाज से हम बहुत मुतमईन हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है। मुझे ये यकीन है कि जिस अंदाज से हमारे कुवैती दोस्तों की यहाँ पसीराई हुई है, उस लिहाज से उनके जहन में आने वाले तमाम खदशात, तमाम खतरात यकदम ख़त्म हो गए हैं और वो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि एज इफ वो अपने ही कंट्री में मौजूद हैं। हमें इस बात की भी बहुत खुशी और फख्र है कि हमारे ओपेक मेंबर की सोच जो थी वो इतनी, उनके विज़न इतना एडवांस में उन्होंने ये सब कुछ सोचा था। अब से साल पहले उनकी ये ख्वाहिश थी और आज ये ख्वाहिश जो है अब अमली तौर पर हमारे सामने आई है और मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ना सिर्फ इस मरतबा बल्कि आइंदा भी ये लोग आते रहेंगे, पहले से ज़्यादा आएँगे और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ेगी और पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स कुवैत में दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, थैंक यू सर, थैंक यू। नासिर, हमने देखा कि जब यहाँ पे कराची में एक्सपो के लिए कुवैती डेलीगेशन आया, उनके जज्बे को देखा, उनकी मोहब्बतों को देखा, फिर उन्होंने पाकिस्तानी मसनूआत को देखा, तो बहुत अच्छे इनकी सोच, बड़ी अच्छी इनकी फीलिंग्स हैं, तो क्यों ना वो मीडिया इनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचाएँ। जनाब श्याम साहब, बताएँ कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है, पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है और बाहर से जो कंपनी आई हुई है वो बहुत दिलचस्पी से, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिलिंग करके, चेक करके वो चीज़ों का इस्तेमाल और उसका ख़रीदारी के लिए बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उनको हर तरह के सैंपल यहाँ से मिल रहे हैं और बहुत अच्छी, बाहर फॉरन जितने भी बंदे आए हैं वो यही कह रहे हैं कि माशाल्लाह इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट भी किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है इसका बहुत अच्छा और अच्छा पाकिस्तान के लिए बेहतर असरात महसूस हम। इससे बाद भी अल्लाह के फजल से ये आइंदा साल के लिए इससे बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हर प्रोडक्ट जो है ना ये बरून मुल्क जाए, वहाँ से सरमाया आए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, यही हमारी ख्वाहिश है। जी सर, आपका नाम? जमाल कुरैशी।
जमा खुशी साहब, आपने माशाल्लाह आप आए हैं और आपसे रब्ता भी रहा, एयरपोर्ट पे भी, जहाज़ों में भी हम सफ़र करते रहे, आप क्या समझते हैं बीइंग, आप वैसे तो किस शोबे से आपका ताल्लुक है? मेरा जी मार्केटिंग से बेसिकली, मैंने MBA भी किया हुआ है, तो काफ़ी अरसे से मुझे तकसीर है, मैंने ऐसी एक्सपो पहले कभी नहीं देखी। अच्छा। बड़ी खूबसूरत इन्होंने प्लानिंग की हुई है, अगर आदमी इंटरेस्टेड हो तो बड़े अच्छे माहौल में अब खरीद फरोख्त हो सकती है, तो अल्लाह करे कि ये लोग हमेशा इसी तरह हर साल लगाएं और इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर की डेस्क के ऊपर है, आपको चीज़ पसंद आए तो फिर आप ट्रैवल करें ना। सही बात। पहले ये थे ओहो कराची जाएंगे, पता नहीं कहाँ फैक्ट्री होगी, क्या होगा, अब आपकी टेबल पे है सब कुछ, प्राइसेस भी और वो भी, अल्लाह करे ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वालों को बड़ा अच्छा स्टेप है, और कुवैत में भी मेरे ख्याल उनकी कोई प्लानिंग है किसी वक्त मैच लगाने की, तो कुवैती जितने भी कोऑपरेटिव्स के हेड हैं उनके लिए तो यहाँ बड़ा स्कोप है, उनको बैठे बैठे यहाँ सब चीज़ नज़र आएगी। सो इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान और तरक्की करे। जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? साबिर बरकात। अच्छा, आप माशाल्लाह आपने काफ़ी, मैंने हमने देखा कि बड़े स्टॉलों में गए हैं, आप क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत ये चीज़ कुवैत में आ जाए? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले भी क्लाथ और शूज़ में पाकिस्तान के उधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी बहुत सी चीज़ें देखी हैं हम, और भी बहुत सी चीज़ें इधर से ट्रेड कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए यानी, और हमारे साथ वफद में कुवैती लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत पसंद किया इनको, तो बहुत सी दिलचस्पी रखी है कि हम ये भी चीज़ लेकर जाएंगे, ये भी चीज़ लेकर जाएंगे, तो इंशाल्लाह ट्रेड बढ़ेगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह। अपना एम्बेसीज और पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के क्या आप किरदार अदा करेंगे, उन्होंने किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया? हम बिजनेस काउंसिल के प्लेटफार्म पे जो उन्होंने हाफिज़ शबीर साहब ने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है माशाल्लाह, उन्होंने ख़र्चा भी बहुत किया हुआ, उसके ऊपर बहुत मेहनत भी की हुई है, सब उनके जो वर्कर हैं, तो इसका उनकी वसासत से बहुत अच्छे असरात हो रहे हैं, और इंशाल्लाह तरक्की भी होगी उससे लोगों को ये बहुत बड़ा सहूलत भी मिल रही है कि हर जगह पे उनका ये उनके हर कंपनी का एड्रेस वगैरह, सैंपल वगैरह और कैटलॉग वगैरह उनके अवेलेबल होती है, तो उनको यानी बहुत सारी आसानी होती है, तो इंशाल्लाह इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया, आ जाएं आप, आ जाएं, मैं ले लिया, आ जाएं। चलो मैं आखिर में एक बात करता हूँ, आप साथ खड़े जी। नाज़रीन, हमारे ये सब दोस्त यही इसका इजहार कर रहे थे कि इस दफ़ा जो एक्सपो हुआ है वो बहुत डिफरेंट है, और ख़ास तौर पर जो कुवैत से डेलीगेशन आया है वो उसको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव हमें लगता है कि एक पहलू है कि वो लोग आकर उन चीज़ को पसंद किया, और यकीनी तौर पर इसमें हाफिज़ शबीर साहब का बहुत बड़ा किरदार है, उन्होंने लोगों को मोटिवेट करके वो किया है, वो किसी वजह से यहाँ नहीं है लेकिन हमें ये एहसास हो रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाले ये जो आज तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो डेलीगेशन कुवैत से आया है वो नुमाइंदगी कर रहा है, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो चीज़ें जो उन्होंने आज पाकिस्तानी प्रोडक्ट देखी हैं वो कुवैत में हर जगह हर अच्छी जगह पे मौजूद होंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें एक बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ हुई सबको कि किसी से भी हम पूछते हैं कि भाई कौन सी चीज़ किस साल में, वो कहते हैं आप खुद ही पढ़ें हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे TDPA वालों का ऐसा बंदा होना चाहिए जिसमें जिसको सब पता हो कि जी आप सीधे 6 नंबर हाल में चले जाएं, 4 में, अब आप ढूंढते रहे लोगों से पूछते रहे, वो नहीं मिलता, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम हियर, दे नीड टू अपॉइंट समबडी, जब रिसेप्शन पे वो डायरेक्टली कि जी आप डायरेक्टली में देख लें, मुझे तो नहीं पता, तो डायरेक्टली तो फिर हमारे पास होती ही हर जगह, जब आए और मुझे पता है कि हम मेटल का मसलन मेटलर्जी का हाल है, अभी तक मुझे नहीं मिला। सही बात, नहीं इंशाल्लाह मिल जाएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत इस चीज़ पे नाज़रीन तवज्जो देंगे। एक्सपो से नाज़रीन जब ये डेलीगेशन जब कराची में आया तो हमने देखा कि उन्होंने हर जगह हर स्टॉल पे हो गए और पाकिस्तानी मसनूआत को उन्होंने पसंद किया। मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर हैं और इस डेलीगेशन की क्यादत करते हुए आए हैं, एक चीज़ हमने देखी कि हाफिज़ शबीर साहब चूँकि यहाँ मौजूद नहीं हैं और उनकी गैर मौजूदगी में हमें ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि वो यहाँ हैं, ये जो डेलीगेशन आया है वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन चूँकि उन्होंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला यकीन तौर पर इस हमारा जो डेलीगेशन है उनसे हम बातचीत करते हैं। अरे भट्ट साहब, आपने पूरा जायज़ा लिया,
मुख्तलिफ स्टॉल पे गए, आपको कैसा महसूस हुआ? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, खासकर हमारे कोयती भाई जो हमारे साथ आए हुए उन्होंने उसको बहुत पसंद किया। क्वालिटी बहुत अच्छी है, अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, पूरी मैनेजमेंट का काम काबिल तहसीन है, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। किसी भी फर्द को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ माशाल्लाह। दिन ब दिन ये, क्योंकि मैं 2005 से यहाँ आ रहा हूँ और हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, इस साल माशाल्लाह इन्होंने बहुत बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाए, अब उन्होंने यहाँ पे स्पीच भी दी और ख़ासकर कोयती डेलीगेशन को खुसूसी तौर पर उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स फौरी तौर पे, क्योंकि आप बिजनेस सेंटर के वहाँ पे बिजनेस काउंसिल के सदर हैं, क्या प्रोडक्ट फौरी तौर पर वहाँ पर कोयत पर होनी चाहिए? किसी एक प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे हर चीज़ ऐसे ही है जैसे कि ये हर चीज़ ही वहाँ जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम जैसा कि हम प्लान कर रहे हैं बिजनेस सेंटर, उसमें एक लुलू सेंटर की तरह या सिटी सेंटर की तरह कुछ ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह हर चीज़ पाकिस्तान से ले जाकर वहाँ पर सजाएँगे और कोयतियों को बताएँगे दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान। वेरी गुड। कोयती डेलीगेशन जो आया है, आपने माशाल्लाह आपसे उन्होंने मशवरा भी किया, बातचीत भी होगी, क्या उनकी फीलिंग्स हैं कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मुतारिफ? वो हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, खासकर लेडीज़ तो हर चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो दिस इज़ पाकिस्तान, वो दिस इज़ पाकिस्तान, सो दे लाइक इट वेरी मच। वो कहते हैं कि वी वांट टू बाय एवरीथिंग व्हाट एवर इज़ अवेलेबल, सो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है, वो बहुत खुश हैं और ये हमारे लिए भी फख्र की बात है कि वो पूरा डेलीगेशन बहुत फख्र महसूस कर रहा है यहाँ आके और बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, एक पहले एक खदशा था कि पाकिस्तान एक पुरान मुल्क नहीं है, यहाँ डेलीगेशन आज देख के पता लगा, हमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान पुरान मुल्क भी है, पाकिस्तान में हर चीज़ है और आएँ और पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पर हमारे कोयत के हवाले से मलिक नूर साहब, बताएं आप कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कोयत में लोग ख़रीदें और वहाँ पर दस्तियाब। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल कोयत की मार्केट का जहाँ तक सवाल है वो हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी जानती है, हमारे जो यहाँ मुल्क के ज़िम्मेदारान हैं उनको पता है, कोयत एक बहुत एक्सपोर्ट मार्केट है, बहुत अच्छी इंपोर्ट मार्केट है, जहाँ पे बाहर से ही सारा सामान आता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके महसूस किया हमने इस एक्सपो में कि पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज़ बनती है और यहाँ से हर चीज़ एक्सपोर्ट की जा सकती है। और मेरा ख्याल है कोयती डेलीगेशन जो आया हुआ है वो लोग बहुत इसमें दिलचस्पी रहे और हमें उम्मीद है कि कोयत का और पाकिस्तान का बिज़नेस फ्लोरिश करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। कोयत से डेलीगेशन आया हुआ है, इसमें खवातीन शामिल हैं, अरब्स हैं, हेलो 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 मैडम, नासरीन एक्सपो 2015 जो कराची में अभी तक जारी है और कामयाबी से चल रहा है,
इसमें दुनिया के तकरीबन 74 ममालिक से ज़्यादा जो नुमाइंदे यहाँ आए हैं. हमारे दरमियान इस वक्त इंडोनेशिया के जो हैं कुछ डेलीगेट्स हैं, इनसे बात करते हैं. व्हाट योर नेम? सुतोमो. योर नेम? आई एम एरिक सोलोमन. ओके, व्हाट यू फील टुडे दिस पाकिस्तानी एग्जीबिशन? व्हाट योर फीलिंग्स? Yeah, well, actually, this expo is very good for us to explore what do you have in Pakistan, also to know the situation in Pakistan, because outside of Pakistan, they always talk negative about the security and the people in Pakistan. But we find everything is so different than what we heard. Other than that, the resource in Pakistan is also very good, except for the electricity. Still have problem. What do you like these Pakistani products, like clothes and other things? Actually, I'm looking for pharmaceutical product, medical equipment, and also some food that we can import to Indonesia. At the same time, there are probably some pharmaceutical products that we can export to Pakistan from Indonesia. So it's vice versa. Okay. Your country, Indonesia, why not display her products? Oh, this because this is our first time in Pakistan. Okay. But I heard that there will be another exhibition, I think, and at the end of the year, and there will be some display from Indonesia products. Okay. Which type think you like Pakistani hair products? Sorry? Products, kind of products you like? Oh, the agriculture products. I'm importing Pakistan oranges, kino. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Viewers, now with us, Miss Lolita. Lolita, yes. Lolita. So, you are happy to come to Pakistan? I'm happy to be here. I'm happy to be in Pakistan. It's very warm. People are very warm and kind. And I'm also happy to be part of the expo. Okay. Which type you like things, Pakistani products? I'm into food and textile as well. I love it. So I'm hoping to bring business from Pakistan to South Africa and introduce other South Africans that are not doing business with Pakistan. What do you think that this in South Africa, which product you can ask your higher authority to take from Pakistan to South Africa? Your soya beans, your rice, I would love to take it to South Africa. And fortunately for me, I met also the Indonesian delegation, and they also told me about the things that they produce, you know, in the food industry. So I'm taking their samples with me to try and introduce them to South Africa and see whether South Africans would love, you know, to do business with them. And tell us about South Africa. Which city you like? South Africa is a huge country. Most of the business is done in Johannesburg, but I come from a small province called Eastern Cape Province from East London. So it's a beautiful country. So I would invite Pakistanis to go and visit South Africa and go and do business in South Africa. Okay, cricket also you like? Yes, cricket, and I see that we live in the West Indies, so we're hoping to take the World Cup and be champions of the World Cup. Okay. Thank you. Best of luck. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. नाज़रीन, हम जिस जगह में मौजूद हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन जो यहाँ पे एयरपोर्ट से कराची आया है, उनके हम आपको व्यू दिखा रहे हैं अपने कैमरे की आंख से. तो यहाँ पे इस हाल में मौजूद
Thank you.
Name? Thank you for all my friends of Kuwait coming to Karachi for the exhibition tonight. And I'm very confident that this fair will be very good for all of us. Up till now, we have met a number of delegations, our Federation of Commerce is here, Chetty Commerce is here, he's the president of the Federation of Pakistan Chamber of Commerce, the vice president of the Federation of Pakistan Chamber, and our Secretary of Tidam. So we are all here to welcome you. So we just want to let us know how we can help you, give us some suggestion and advice. I know Kuwait is doing a good business with Pakistan. We have only one problem which I mentioned before, that Kuwait has stopped giving visas to Pakistan. Now we don't get a visa, how can we go to Kuwait? Of course, Kuwait is welcome. We are doing business. We are very happy with Kuwait. They are our friends and brothers. But I don't understand why the visa has been stopped. This is not for me. Our government is also discussing with them. So please, over to you. So this is for the first time in the last Trade Expo. I mean, the biggest delegation previously for Trade Expo was 16. This time we have so far now 60. Oh. Who are present between the Pakistan and Kuwait in terms of trade is that we don't have the opportunity of B2B meetings. I mean, visas are being issued to Pakistanis and likewise Kuwaitis are not coming here. The purpose of gathering a huge delegation this time was to just make a B2B meeting possible. That's why I made an extensive campaign to gather all these people. Well done. This is, and second, regarding the Pakistani delegation towards Kuwait, I've been trying that, and inshallah, hopefully, in the month of April, KCCI delegation is coming over there, and things are all finalized and lined up. They will get a visa. Sure. Because it has been done through business chamber over there. Okay, that is possible. That is very powerful chamber. Fine. And they are going to be here. Okay. So anybody like to give us some suggestion or advice, please? My name is Abdurrasul Sarfa. I am one of the members of the delegation of Kuwait, and I'm really very pleased that we are in front of you now, the decision maker in the Pakistan. And why do we participate in this? And we really very appreciate that the consulate of Pakistan they organized this to attend here, and all the members of the obligation over here, they like to we reflect the positive side of Pakistan. Thank you. And it's not a matter of the visa. The business is not only visas. Right. The business, how you encourage and you force the Kuwaitis government to provide the visa. But how Pakistan, they should provide us the now the words of the number. Okay, we don't have any information about what the we got the hospitality of the during these 2 days, and we plead for that. But to do business, we need more. Okay. We need more relationship to fix. Also, you know, Kuwait is open country. Okay, but again, there is something the relationship between Kuwait and Pakistan is depth in the history. It is not before 10 years or 20 years. No, it is hundreds of years. Long history, yes. Yeah. I would like to add that he is the one only from Kuwaitis over here who has been to Pakistan in the 80s for the medical studies. Right. Otherwise, all on you. Nobody has come before you. Yeah. So we like Pakistan, and Pakistan is an Islamic country. And we met and we discussed regarding the halal food and to investment, and there is a lot of investor in Kuwait. They are willing to invest, but again the atmosphere, it should be encourage the Kuwaitis to come in. Okay, we are not on behalf of the government. We are not Ministry of Interior to answer the visa. You are we are business people. We come here to see
have the opportunity and to join together and to make joint venture, to coordinate together. We so summarize the activity in business in Pakistan during the expo. But there is, we have some comments, inshallah, for future to make it more organized, more disciplined. While the obligation is coming over here, they should be more organized, just to make that see that it is more easier to approach, the traders over here. Okay, we came and met some companies, but I'm sure there is a lot of companies. No, but let us know. We can organize your meetings with anybody you want. You let us know. The DAP is very capable enough. Our people will give you all the contacts. And just now, there were three people who were interested for leather and some Ashmati shoes and something else. Immediately, I called myself, and our people told, and we made an appointment. But we got this, but we didn't see this. Right. When we came to the airport, it was a mess. And these foreigners, I'm sorry, I'm saying from these foreigners waited for 1.5 hours. Not 1.5 hours, 3 hours. 1.5 hours. 3 hours. Okay. And I was there, and it was a mess. And also, we attend a lot of, we hope that, we hope for Expo Pakistan to succeed. But it needs some elements. Okay? That's all. We need only for future. We can coordinate together. And a lot of Kuwaitis, they go other fairs, other exhibitions. There is, excuse me for that, there is gap for the organization, okay. To tell you the truth. Okay? I'm not talking about the hospitality. We are very thankful for that. We are very pleased. This is our own, we are very, our pleasure. But organization, no, it needs some improvement. That's good suggestion, sure, definitely. Please. Take care. We'll find it out. Yeah, and really, the business center and this, they do their maximum effort. And with the head of the obligation of Kuwait, this is what, our eyes, they did their best to serve us. But we want, when we, anyone, when he come in the first time, he should be the best. This is the first impression, it is the most important. Right. For the investor, I want to come to invest. Thank you. Want to encourage? And I want you to send me a detailed letter about this complaint, so we can make some clear action. You want to speak something, please? Yes, sir. Assalamu alaikum. My name is Darius Iqbal, and I'm here on behalf of the Pakistan Business Center in Kuwait. Pakistan Business Center has been established by Pakistan Mr. Shafiq, who is a member of Overseas Pakistanis Advisors Council for Kuwait. The cause of Pakistan Business Center, even though Pakistan Business Center is a private entity, but the cause of Pakistan Business Center is only to promote Pakistan products all over the world, and we have taken a start from Kuwait station. So we are here. Complaints always happen, but I'm here for some constructive suggestions. I would like to have your intention, sir. I'm the person who is always on the ground in the marketing places. So I know most of the problems personally. Quality control is the biggest problem from the Pakistan manufacturers or Pakistan exporters. We should concentrate immediately on it if we need some business to be exported. Secondly, I suggest on the behalf of PAC member and my business center, Pakistan Business Center, that my suggestion is, please, take some responsibilities. My suggestion is to control quality through the concerned Chamber of Commerce for the exporter area or manufacturer area. That can work. That's my suggestion. And the second thing is time frame. Always, always we destroy a lot of business
which we tried to get from Pakistan for the other countries, but time frame destroyed. Any deliveries are not timely? No, time frame is very, very destroying sector for them. Here I would like to say we have got a lot of opportunities in Kuwait Station Park. And our planning is not only Kuwait. After we promote our Pakistani products in Kuwait, we are going through the GCC countries. And if, alhamdulillah, what we are doing, and inshallah, what we get the results, if they are positive, we are planning to go all around the world with the Pakistan Research Center. So please, sir, we need your cooperation. We need some responsible actions from the TDAP, from Ministry of Trade, and other concerned administrations are all. So that's what I think I want to say. Thank you. And I hope there should be consultation. Sir, my name is Muhammad Arif Bhatt, President of Pakistan Business Council, Kuwait. The first thing is, I agree with my friend and also Mr. Raja, that these problems are there. We are trying to organize Gala Pakistan on 27th March, where we will be introducing all our products made in Pakistan. And with the help of Business Center and Business Council, we are trying to have a Pakistani week. So we want to request His Excellency Mr. Khurram to attend this, to come here. Second, about the visa, I want to clarify that Mr. Ayaz Sadek, Speaker, National Assembly, he was in Kuwait. We met him. Then he invited us to National Assembly. We came here to see him. The problem is, if the Interior Minister, Mr. Nisar Ali Khan, if he can visit Kuwait, I think all the problems will be solved. So if you can, Mr. Khurram, if you can bring him with you, I think it will solve all the problems. And Mr. Speaker, he promised that he will arrange a meeting between the Interior Minister of Kuwait and Pakistan. And the Interior Minister of Kuwait is coming to Pakistan for Nagra purpose, because they have problem. Kuwait has always complained against our passport system. Okay. So they are coming, I think within weeks, they will be here. They will check our Nagra system, and I think they will be happy to see our system, and all the problems will be solved. So I request again from Pakistan Business Council and Pakistani community to please come there, because we were requesting Mr. Rahman Malik for 5 years. Nobody came. Then from Mr. Nisar Ali Khan, he said, I will. We know there are problems here, but some should help us. We want to make... Kuwait is not too far away. Yes. Everybody is coming to Dubai, then back. Dubai, and I don't know what is between Dubai and Kuwait. So please, this is our humble request. Come with a big delegation. Kuwaitis are very good people. Sure, their hospitality is known everywhere. Arab hospitality is very famous. They are our brothers. Yeah, they are our brothers. And they like us. And they love us. I assure you, most of the Kuwaitis, they want to work with Pakistan. But our problem is that whenever we request our higher authorities, nobody has time to come to Kuwait. See the late 2 years. How many ministers went there? Right. So this is our humble request. Please come and join us. Visas will be open, trade will open, everything will open. Thank you. Great. Thank you. Thanks very much. Good idea. Thank you. My name is Afzal Shafi. I am representing Pakistan Business Center. I am very proud to mention that Kuwait is the only country at this point in time who has brought the biggest delegation. We have multiple people, even in Arab, you know, we have a variety of Lebanese and Egyptians and Kuwaitis. And this is the first time, which is very unique, that Kuwaiti businesswoman have visited Pakistan. In fact, I am very grateful to the government and to TDAP, who has been working day and night to stage this show and to make this exhibition possible. It was not possible in a day's time. It's a very, very difficult task you guys have been handling. And okay, with all the facts that there are shortcomings and, you know, there are pluses and minuses, this is overall a very good show.
despite the fact, you know, we had primarily, like one of my friends said, you know, it was a poor impression created at the airport. But nevertheless, if we continue progressing, we will definitely eradicate all such nitties and gritties in the future. However, from the business point of view... And probably for me to keep PDAP working so they can become masters of old. Well, and an exhibition every 3 months. Yeah. Truly so, sir. Exhibition is not a game, you know. It's not a simple game. You can understand that very well. And overall atmosphere, the overall air in this exhibition is very friendly. People are very good. It's well organized. People are picking up, you know. It's the only place where under one roof, Pakistan's range of products has been seen by the people who had only preconceived notions about our country. The problem is people don't even look at Pakistan, you know, on the map, and they just make an opinion. The fact remains that we have got many, many good things. We need a lot of projection. We need a lot of people to come to visit Kuwait. Kuwait, people living in Kuwait must not understand that the people who are living there is only Pakistan. Pakistan has a variety of people and an intellect. We have exceptional intellect in the world. We can compete with everything. Okay, I just want to say that it was a wonderful experience for me. It was my first time to come to this exhibition. And I am very thankful to all of you, especially to Minister the Great, because the power generation is from your side, you know. Right. But the last, but not the least, is that we should open trade. We should care for the energy crisis. And we if we overcome such things, definitely sky is the limit for Pakistan. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much. Pleasure to meet you all. From the ladies, anything? Our respected guests, there is a time to speak, if anybody wants to speak. She would like to, she's from Kuwait. Okay. And she's a businesswoman. She's running her own enterprise. And she's here for gems. Visiting Pakistan, and I'm happy to see all of you. The people are nice, the Pakistani people are nice, and I've seen the Pakistani hotels. They are very good. I was not expecting that they are having so many things in Pakistan. It was a wonderful time for us to know what they have in Pakistan. And I hope, inshallah, in future, we will have the good relationship. And it should be in the trust, and it should be accurate in the time. The main thing is the time. And I hope the Pakistan and Kuwait will have a good relationship. And all the problems is going to be solved if we will cooperate with each other. You are very kind. Thank you.